ज्यादा दूध देती ये दिन भर दह में मथा जात है। चाची काहे मजा लेती सब लोग, ये हम कोनो दही नाय मती था, ये जीवा अमृत बनाई था। छह बहने अमृत बनाई का है, सबका पियाई का है, अमर कह दियो। अरे चाची ये कोनो पिए वाला अमृत ना हुए, ऐसे बीज शोधन करा जाता है, बीज छटाई करा जाता है, कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये जीवा अमृत का हो बहनी, जैसे यूरिया डाले से नाइट्रोजन जैसे जरूरी तत्व मिलत है, वैसे जीवामृत डाले से भी मिलत है, ये बढ़वार के रूप में भी काम करत है। अच्छा बहनी ऐसे कौन लाभ हो की दुनिया भर के कहानी है आई बता। अरे चाची काहे नहीं फायदा है, पहला फायदा तो यही है पौधन में रोग से लड़े वाला क्षमता बढ़ जाते है। जमन फली में पीला रोग लग जाते है वो पत्ती सूख कर सिकुड़ जाते है, उसे बचाव करत है। मिट्टी में जीवा मृत के प्रयोग से जरूरी तत्वों का बढ़वार हो जाए, जोन जमीन में उपजाऊ मिट्टी के मदद कर, जोन जमीन के उपजाऊ शक्ति बनाए रखे में मदद कर, फसल बढ़वार और विकास भी अच्छा होता है, और ऐसे अरहर के बीज के शोधन भी किया जा सकता है, जैसे खराब बीज निकल जाता है सिर्फ अच्छा बीज बचत है और पैदावार भी ज्यादा होता है। बहनी बहुत अच्छा जानकारी दीन गा, लेकिन ये आसानी से बनत कैसे बहनी, अमन का लागत? देखो चाची हम आपका बताए, इमा कोनो विशेष सामान नहीं लागत है, ये सब सामान आपके घरे मिल जाये और ये बहुत आसानी से बन भी जाये। बहनी हमें जल्दी बताए जो हमें पानी लेकर घरे जाए। देखो चाची हम आपका एक एकड़ के लिए यानी पाँच बीघा के लिए बताए थे 100 लीटर पानी लगी और 10 किलोग्राम देसी गाय के ताजा गोबर लगी और 5 लीटर गौमूत्र लगी। अभी मैं चाची बताओ कोनो बाहरी सामान लागत है? बहनी सब सामान तो हमारे घरे मिल जायी, कोनो बाहरी सामान लगी का? हाँ चाची इमान और सामान लगी, 1 किलो गुड़ लगी और 1 किलो बेसन लगी और 1 किलो मिट्टी लगी बरगद के नीचे या मेड़ के जहाँ रासायनिक खाद का प्रयोग ना किया गया। बहनी ये सब सामान तो हमारे घर ही मिल जाये, हमें बाहरी सामान कोनो मंगावे न पड़ी। आज जाके हम अपन सामान पूरा इकट्ठा कर ली, कल आए के हमको बता दियो। अच्छा ठीक है चाची, कल हम आपका आए के बता दे। गीता चाची कहाँ करत हो? हाँ भाई बिटिया आम है नाई थे, कल बताई गयो रहा तो सारा सामान सब हम इकट्ठा कर ली हन, बस आप की इंतजार रहा, अब आप आई गवा गए है तो हमें बताई दीन जाए कि जीवामृत कैसे बने। हाँ ठीक है चाची, चलो हम बताए थे जीवामृत कैसे तैयार किया जाए। कल सीआरपी बहनी आई रही तो उनसे हमार बातचीत हो रहा, हमें एक बीघा के सामान बताई गई रही, हम 1 बीघा के सामान तैयार की। ये 200 ग्राम मिट्टी है बहनी, ये जंगल से लाए ने बरगद के पेड़ के नीचे हो केर हुए जहाँ ये खाद और दवाई ना पड़ा। देखो बहनी 200 ग्राम गुड़ हो, 1 लीटर बहनी गौमूत्र हो, देखो बहनी 200 ग्राम बेसन हो, 2 किलो गाय का ताजा गोबर हो, 20 लीटर पानी हो। का लेकिन है कि जीवामृत बनावे का सही से बताए दे। देखो चाची ये गाय के 2 किलो ताजा गोबर है, अभी महान थोड़े थोड़े पानी डाला जाए, एक लेप की तरह एक तैयार किया जाए। अभी 200 ग्राम गुड़ इमा मिलाए दिया जाए, दूसरा ग्राम बेसन अलमंड डाल के अच्छे से मिला लिया जाए। ये 200 ग्राम मेड़ या बरगद के नीचे का मिट्टी हो जोने में यहाँ कबो रासायनिक खाद या कोनो दवाई ना पड़ा हो, एक अच्छे से भुरभुरी करके फिर इमा ये मिट्टी के प्रयोग घोल में इसलिए किया जाता है जो लाभदायक जीवाणु है उनकी संख्या बढ़ जाए।
अब एक गौ मूत्र के ना यही में यहाँ मिला दिया जाए। अब बढ़िया से मिल गया है और जोन 20 लीटर पानी में से बचा रहा पानी अब एका ही में यहाँ मिला दिया जाए। बहनी बनेगा बहुत आसान है। नहीं चाची, ये घोल का हाथ से या डंडा के सहायता से पहले बाएं से दाहिने के तरफ 15 से 20 बार, फिर दाहिने से बाएं के तरफ 15 से 20 बार ये घोल का घुमाएंगे, जैसे घोल की सतह पे भंवर जैसा बन जाए। हाँ बहनी, तो भंवर बन गया। ऐसा करे से जो नी घोलो में लाभदायक जीवाणु होते हैं उनके संख्या बढ़ जाती है। बहनी तो बहुत गीला हो गवा, जान पड़ते की कहे से घर लीपे का। ये कौनो लीपे वाला चीज ना हुए, ये प्लास्टिक के सीट से या प्लास्टिक के ढक्कन से का ढक दिया जाए। ये अब चाची ड्रम हो कौनो छायादार स्थान पर 48 से 72 घंटा यानी 3 से 4 दिन के लिए का छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ चाची एक विशेष बात का ध्यान रखे है। का बहनी, कौन बात का ध्यान रखे? चाची कम से कम यहाँ 2 बार रोज ढक्कन हटाए के, जैसे दीदी तबही घुमाए के प्रक्रिया नहीं बताई ना, वैसे ही घोल का दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 15 से 20 बार घुमाए। चाची यहाँ एक बात और है, ठंडी के दिन में 72 घंटा यानी 4 दिन में, गर्मी के दिन में 48 घंटा यानी 2 दिन में जीवामृत बनकर तैयार हो जाते हैं। चाची, ओ चाची, का करती हो? आज दूसरा दिन है, चला होगा फिर से घुमा दिया जाए। 15 से 20 बार दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं घुमावे खै। ये जीवामृत 48 घंटा यानी 2 दिन में अब तैयार होगा। चाची का करे थी हो? हाँ बहनी, आई थे। चाची वो जो जीवामृत बनावा करा ओका दूसरे दिन घुमावा करा कि ना है? घुमावा करा। बंदरा बहनी आई रहा, दूसरे रोज घुमावा करा। चलो अब 48 घंटा यानी कि 2 दिन के होएगा है तो का अब छान के तो के छिड़काव खत्ती को तैयार करा जाए। चलो चाची, अभी तैयार होएगा है बेका, चलो छान लिया जाए। छान लिया है। अभी सूती कपड़ा है, अब यही से हम लोग छान लिया जाए। चलो अब एक छिड़काव करे खत्ती जीवामृत तैयार होएगा है। हाँ बहनी, तैयार तो होएगा है, छिड़काव कैसे जाए? एक छिड़काव से स्प्रे मशीन से किया जाए, जो धाने और गन्ना में मशीन से छिड़काव होते है वही से ना एक डाल के वही में फिर उसे छिड़काव करा जाए। स्प्रे मशीनिया यही हो है, यही में डाल के फिर छिड़काव करा जाए। अच्छा। अभी पूर्ण रूप से छिड़काव के लिए तैयार होएगा है। और चाची महान एक विशेष बात का यह ध्यान रख, पहली बात तो चाची ये है कि 12 लीटर पानी में 4 लीटर जीवामृत मिलावट है, काहे से ये घोल बहुत मजबूत होता है, अगर ज्यादा मात्रा में यहाँ पड़ जाए तो पौधा जल भी सकता है। कि एक छिड़काव करे है तो शाम का 3-4 बजे के बाद और सुबेरे तनी जल्दी, अगर एक छिड़काव हम लोग दोपहर में करा जाए तो पौधा जल भी सकत और जो लाभदायक जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। चाची ये बेकार ले चलो, छिड़काव कर दिया जाए। चाची एक छिड़काव हर प्रकार के सब्जी में किया जा सकत है और एक छिड़काव फूल आउत के समय में किया जाता है, जैसे लौकी है, कद्दू है, करेला है, भिंडी है, टमाटर है और चाची जो अन्य सब्जी है उमा फूल आउत के समय में एक छिड़काव किया जाता है। चाची जो हमसे अरहर के निपिंग किया जाता है, जो उनके कपोलो यानी कि जो ठुनगिया होते हैं उनका कटाई किया जाता है, तो कटाई के 2 दिन पहले और कटाई के 2 दिन बाद जीवामृत के छिड़काव किया जाता है और जीवामृत के छिड़काव करे से वहाँ पौधा मजबूत और पैदावार बहुत अच्छा होता है। बहनी तार बहुत धन्यवाद। बहनी यहाँ तो हमारा बहुत खर्चा बच गया।